सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। आज आपके साथ मैं दो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कुछ फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन किए। सबसे पहले तो हमारा एक ये सवाल जो काफी टाइम से जो है लोग पूछते आ रहे हैं और अभी भी ये पूछ रहे हैं कि भैया हमारा जो है ईमेल आईडी वगैरह का जो हमें पासवर्ड वो मिस हो गया है। मतलब कई लोग ऐसे जिनका मोबाइल फोन गुम हो गया है, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे कुछ फाउंडिंग मेंबर ने क्वेश्चन किया भैया मेरा मोबाइल फोन गुम हो गया, उसमें मेरा पासवर्ड वगैरह सब चला गया है, ईमेल वगैरह का पासवर्ड भी चला गया, उसके अलावा ओईएस की जितनी भी जानकारी थी वो सब चली गई है, अब इस कंडीशन में मैं क्या करूं। तो देखिए, इस पे कई बार मैंने वीडियो बनाया, एक बार नहीं बल्कि बार बार वीडियो बनाया कि भैया आप प्लीज जो है अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड और अपना ओईएस की जो भी डिटेल्स है जैसा पासवर्ड वगैरह जो है उसे आप अलग से जरूर लिख करके रख लीजिए, लेकिन कई लोग उसे फॉलो नहीं करते और होता ही है कि अब एंड टाइम पे मोबाइल वगैरह घूमता है तो ये दिक्कत हमेशा कई बार 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 आई है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो इस कंडीशन में क्या करें, इसमें देखिए एक ही ऑप्शन है कि आपको जिस बंदे ने इंट्रोड्यूस किया था ऑन पैसे में उसके पास आपका आईडी वगैरह पासवर्ड अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास मतलब उसके डिटेल्स आपके पास अगर नहीं है तो भैया आपके ब्लेजर के पास जरूर उसके बारे में जानकारी होगी अगर आपने उनसे अगर अपना अकाउंट वगैरह बनाया है। लेकिन ईमेल का पासवर्ड वो तो आपकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भाई इसमें फिर कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। एक ही ऑप्शन है, आपके ब्लेजर ने अगर ये चीज की हो, हमारे दो तीन लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कम से कम, तो किसी ने तो डेफिनेटली अपने जो है कई लोग हैं जो अपना ईमेल वगैरह नहीं बना पाते तो अपने जो बंदा है जो अपना उस पे ट्रस्ट करते हैं वो उससे आपने जब बनवाया होगा ईमेल वगैरह उसके पार्ट में भी शायद हो सकता है कोई पासवर्ड वगैरह मौजूद हो तो वो आपको दे दे। अदरवाइज तो ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ईमेल का पासवर्ड फिर से किसी प्रकार से जो है ले सके। हालांकि यूट्यूब पे कुछ वीडियो आप जरूर देख सकते हैं कि इस तरह से आप जो है अपने ईमेल के पासवर्ड को जो है वापस पता कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि इसमें जो जानकारी होती है यूट्यूब पे जो आती है कि ईमेल का पासवर्ड कैसे आपको पता करें उसमें भी कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। भैया आपसे रिक्वेस्ट यह है कि प्लीज अपना जो है ईमेल का आईडी पासवर्ड या जो भी चीजें फिर से अगेन बोलूंगा कि अलग से जरूर लिख लीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हम आप सबको यहां पे आ सकती है। यहां पर एक और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे एक्सटेंशन को लेकर के, तो यहां पर कई लोगों ने क्वेश्चन ये भी किया है कि भैया एक्सटेंशन कंपनी कर रही है, इससे कंपनी का तो फायदा होता है, उसे तो यहां पे क्लिक वगैरह मिलते हैं, यहां पे सब कुछ हो रहा है, यहां पे सारी चीजें उनके पास तो सभी कुछ पैसा आ रहा है, लेकिन हमारा यहां पर कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। देखिए आपको बता दें लास्ट अपडेट में मिस्टर एश ने क्लियर किया और आप इसलिए अपडेट को बराबर देखा करिए, प्रॉपर देखा करिए कि यहां पर हर महीने लगभग $5,000 कंपनी को पे करना पड़ते हैं ये जो हमारे एक्सटेंशन वगैरह चल रहे हैं, तो इसके लिए वो कंपनी ऑलरेडी अपने पास से पे कर रही है। मतलब यहाँ पर हम जो यूज करें फ्री वर्जन को तो आपको एक गिफ्ट की तरह वो दिया गया है, क्योंकि इसमें आपको अभी एक भी रुपया नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी जो इसका पैकेज ले चुके थे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अब जैसे मैंने भी कई सबसे पहले ही पैकेज बाय किया था, लगभग 6 महीने हो गए उस बात को, और हमने जो है इसका पैकेज 3 महीने का ही लिया था या 3 महीने के आसपास का पैकेज लिया था, लेकिन एक्सटेंशन करते करते 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे हो गए तो हम फ्री वर्जन को यूज कर पा रहे हैं। तो इससे कंपनी जैसा क्लिक वगैरह हो रहे हैं वेबसाइट के ऊपर उसके ऊपर तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन उन्हें यहां पर इस चीज का बेनिफिट बिल्कुल नहीं है कि एक्सटेंशन से कंपनी को कुछ बेनिफिट हो रहा है। लगभग 2000 वेबिनार डेली बेसिस पे हो रहे हैं, लास्ट अपडेट में भी आपने मिस्टर एश को सुना होगा, तो कंपनी अपने पास से पे कर रही है। तो डोंट वरी दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी अगर यहाँ पे अपने पास से पे कर रही है तो कंपनी खुद चाहती है यहाँ पे कि जल्दी से जल्दी जो भी एक्सटेंशन है उसको वो खत्म करके और यहाँ पर जल्दी से सारी चीजें रिलीज करें, क्योंकि मिस्टर एश ने लास्ट अपडेट में भी कहा था कि ये परमानेंट नहीं रहने वाले हैं एक्सटेंशन, सही समय आने पर कंपनी डेफिनेटली चाहेगी कि यहाँ पे एक्सटेंशन को खत्म करके और नए पैकेज हमारे लिए वो लेकर के जल्दी आए, क्योंकि नए पैकेज आएंगे तो एक बात अच्छी हम सभी फाउंडिंग मेंबर के लिए है कि यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी पहले से पैकेज बाय कर चुके हैं तो आपको जेब से पैसा बिल्कुल ये भी यहां पर नहीं देना पड़ेगा, इस बात को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो डेफिनेटली आपके वॉलेट्स में कुछ ना कुछ यहां पे जरूर दिया जाएगा जिससे आप बाकी के जो पैकेज हैं वो बाय कर सके, और इसके अलावा जो है कंपनी खुद ही जल्दी से जल्दी एक्सटेंशन को खत्म करके नए पैकेज जब लाएगी जिसके अंदर आपका मंथली 3 मंथ वाला 6 मंथ वाला और 12 महीने के पैकेजेस जैसी आते हैं तो ये पब्लिक के लिए भी जब ओपन होगा तो ये बात तो तय है कि भाई कंपनी खुद चाहती है कि यहां से वो रेवेन्यू जल्दी से जल्दी जनरेट करे, ताकि जैसे जैसे वो रेवेन्यू जनरेट करेगी उसके हिसाब से फिर हमें भी यहां पे बेनिफिट्स वो होने वाले हैं। तो इसमें क्या टाइम लगता है कितना वक्त लगता है तो कंपनी ही जानती है, बट ये बात तय है कि यहां पर ऑलरेडी कंपनी का पहले से भी कुछ पे स्ट्रक्चर तैयार होगा, उसके रिकॉर्डिंग भी आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली रेवेन्यू मिल सकता है, बट अभी कंपनी में जैसे जैसे हमारा वायरल होगा धीरे धीरे करके जब हमारा ओ करेक्ट जब इसके एक्सटेंशन खत्म होंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। तो बस इसी तरह से वीडियो लगातार देखते रहिए, तो बाय बाय गाइस, आई लव यू ऑल।